मैं आपको कहता हूं भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, जांच आयोग की रिपोर्ट को एक महीने के अंदर हम सार्वजनिक करने का काम करेंगे, सार्वजनिक करने का। भाइयों बहनों, ये 25 वर्ष जो है ओडिशा के विकास के लॉस्ट ईयर, ये 25 साल ने ओडिशा को 50 साल पीछे धकेल दिया है। मैं आज कहना चाहता हूं पश्चिमी क्षेत्र के साथ ओडिशा सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है। आज भी ओडिशा में 27 लाख परिवारों के पास पक्का घर नहीं है। 19 में मोदी जी ने योजना शुरू करने से पहले सिर्फ 3.5% लोगों के घर में नल से जल था। आज भी 26 लाख लोगों के घर में नल से जल नहीं है। आप भाजपा सरकार बना दो, एक ही साल में ये 26 लाख परिवारों को नल से जल देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज भी 6,412 गांव में पक्की सड़क नहीं है। ओडिशा के किसान की आय देश में सबसे कम है। मैं मेरे किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, भाजपा सरकार बना दो, आपका धान 3100 रुपया क्विंटल के भाव से पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरीदने का काम करेगी। भाइयों बहनों, मोदी जी पूरे देश भर में गरीबों को 5 लाख तक का पूरा इलाज का खर्चा उठाते, ओडिशा के गरीबों को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अरे जोर से बोलो, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप भाजपा सरकार बना दो, 3 महीने में आयुष्मान भारत का खर्चा देने का काम भाजपा सरकार करेगी। भाइयों बहनों, ये नवीन बाबू की जो सरकार है ये झोला सरकार है, झोला सरकार। मोदी जी हर व्यक्ति के लिए 5 किलो अनाज बेचते हैं और नवीन बाबू उस पर अपना झोला लगाकर गरीबों को देते हैं। अरे नवीन बाबू, झोला खाया नहीं जाता, चावल तो मोदी जी भेज रहे हैं। जरा भी शर्म है तो झोलों की जगह 2 किलो चावल बढ़ा दो तो गरीबों का भला होगा। भाइयों बहनों, ओडिशा से कई सारे लोग रोजगारी के लिए देश भर में जाते हैं। वन नेशन वन रेशन कार्ड मोदी जी इसलिए लाए हैं कि बेटा हरियाणा में अपने 5 किलो चावल ले और माँ बाप यहाँ ले। नवीन बाबू वो योजना लागू नहीं करते हैं और बेटे का चावल बीच के अधिकारी चाऊ करने का काम करते हैं। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।